अपना पक्ष बताइए। मैं सत्यम सिंह कौशिक, हिंदू जागरण मंच जिला महामंत्री। अच्छा, आप लोगों के ऊपर FIR की गई है और आरोप भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष के ऊपर लगा है, क्या मामला है? मामला शुद्ध रूप से दलाली का है। मयंक गुप्ता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और हमारे हिंदू जागरण मंच के 5 पदाधिकारी स्वयं मेरे और मेरे जिलाध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और नगर के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर मुकदमा करवाया गया है। और यह मुकदमा इसलिए करवाया गया है कि हमने जो है सदर में पूर्ण रूप से हो रही दलाली का विरोध किया और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं हिंदू जागरण मंच को भोगना पड़ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय ध्रुव सिंह का भी नाम आ रहा है और उन्हीं के आदेशानुसार हम लोगों के ऊपर मुकदमा कराया गया। और सीधी स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिले में और शायद इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं मिलेगा आने वाले चुनाव में भी। अच्छा, विद्यार्थी परिषद और हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठन तमाम आप लोग के साथ है, तो आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? हम लोग अगर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव सिंह उनका पुतला फूंका जाएगा और यहीं पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। माना जा, मैं विपिन सिंह पालीवाल, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच आर्यमगढ़। किस तरीके का मामला है आज आप लोग कोतवाली में आए हुए? मामला बनाया गया है जिला अस्पताल में। लमसम हम लोग दलाली हटाओ अभियान एक चलाए थे जिससे अभी कुछ दिन पत्रकार महोदय सबको पता होगा हम लोग 3 दिन पहले भी CMS महोदय से मिले थे इस विषय को लेकर के। और मैं उसी के एक दिन बाद अपने रिश्तेदार को रिलेटिव को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुँचा और मेरे साथ मेरे संगठन का जो यूथ का जिला अध्यक्ष था जगदीप जायसवाल उससे मैं कहा कि रिपोर्ट लो जाकर के संतोष गुप्ता जी को दिखा दो। तो राउंड पे थे उस समय दिखा रहे थे तो उनके साथ परमानेंट 3-4 दलाल जो है हर मेडिकल हॉल से जैसे मैंग मेडिकल हॉल कुछ मेडिकल हॉल से होते हैं दलाल चलते रहते हैं पर्चा पकड़ने के लिए। तो पर्चा पकड़ने कोशिश किया तो जगदीप उसका विरोध किया, विरोध जैसे किया तो जाति सूचक शब्दों का अंगद यादव वहाँ प्रयोग किया और इसका कालर पकड़ लिया, वहाँ हाथापाई हुआ। फिर उसके बाद जब डॉक्टर संतोष गुप्ता मेरे पेशेंट को OT के पास ले गए तो हम लोग OT के पास गए, फिर उस अंगद यादव को बुला के हम लोग समझाने की कोशिश किए कि अगर तुम यहाँ कमा रहे हो दलाली कर रहे हो तो आराम से करो नहीं तो समस्या में पड़ जाओगे, करा जो करना होगा आप लोग कर लीजिएगा, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। तो मैं तुरंत बलरामपुर चौकी पर सूचना देता हूँ, वहाँ से 2 सिपाही आते हैं उसको चौकी पर लेके जाते हैं। वहाँ मयंक मेडिकल हॉल के जो ऑनर हैं मयंक गुप्ता जी, ये पूजिया नेता हों चाहे जो भी हों अपने आप को बताते हैं, ये चौकी पर तत्काल प्रभाव से पहुँचते हैं और वहाँ दबाव बनाने लगते हैं सुलह करने के लिए और हम लोग सुलह नहीं करते, वहाँ से दोबारा चले जाते हैं। फिर वो अंगद यादव से जगदीप जायसवाल के ऊपर एक फर्जी एप्लीकेशन दिलाते हैं कि ये हाथापाई वहाँ पर किया था, जिससे चौकी इंचार्ज भी उनके कहीं ना कहीं उनके दबाव में थे, जबकि हम लोग पहले उनको एप्लीकेशन दिए लेकिन उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, उनके एप्लीकेशन देने में प्रतिक्रिया तुरंत कर रहे थे। फिर हम लोग भी एक एप्लीकेशन दिए, फिर मयंक गुप्ता जी वहाँ पर दोबारा शाम को बुलाया जाता है हम लोग को, फिर मयंक गुप्ता जी आते हैं और हम लोग वहाँ कुर्सी बैठे रहते हैं सामने जो चौकी इंचार्ज बैठे रहते हैं बलरामपुर, और जैसे ही मयंक गुप्ता आते हैं चौकी इंचार्ज कहते हैं आपके संगठन के लोग हैं आप लोग बात कर लीजिए, कहते हैं मैं बदतमीजों से बात नहीं करता हूँ, ये हमारे मयंक गुप्ता जी का वहाँ लहजा रहता है कि मैं बदतमीजों से बात नहीं करता हूँ, ऐसे संगठन में बहुत देखा हूँ, ऐसा संगठन पैदा कर लूँगा जब चाहूँगा तो। और मैं अंदर बैठा रहता हूँ, बाहर जैसे ही उनके लोग और जगदीप बाहर जाते हैं तुरंत जगदीप का कालर मयंक गुप्ता पकड़ लेते हैं और जाति सूचक इसको बोलते हैं कि अभी एक रावण मराई लब तो समझ ना आवत है ढेर चमारिया तो नेता भल हवे, ये शब्द मयंक गुप्ता जी प्रयोग करते हैं जगदीप जायसवाल के लिए। और उस अस्पताल में बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, अराजकता और दलाली चल रही है, वहाँ पर अपराधी तत्व दिन रात लगे रहते हैं जो दलाली दिलाने वालों में और दलाली कराने वालों के साथ रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर गरीब आदमी को दवा नहीं मिल पा रही है। आज जो भी स्थिति है अस्पतालों की बस से बदतर है और वहाँ न दवा मिल रही है न कोई इलाज चल रहा है, वहाँ जो भी गरीब आदमी जा रहा है उसका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, दलाल उनको ले जा कर के मेडिकल हालों पर दवा दिला रहे हैं, उन दवाओं में फर्जी दवाएं भी डॉक्टर लोग लिख रहे हैं और डॉक्टर और मेडिकल हाल के लोगों के और दलालों के बीच में जो साठगांठ है उसके चलते वहाँ गरीब आदमी जो है शोषण का शिकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस पर कोई रोक नहीं हो पा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज वहाँ पर दलाली और जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आज मुझे इस बात की भी जानकारी हुई है कि वहाँ पर दलालों की जो गोल है वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको डील कर रहे हैं। कल जो मारपीट भी हुई
उसमें स्पष्ट रूप से है एक जो मयंक गुप्ता है वह भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष जिले के हैं, और दूसरी तरफ विपिन सिंह और दूसरे लोग कोई हिंदू जागरण मंच का है, कोई युवा मोर्चा का है, ये आपस में ही ये लोग टकराए हैं उस दलाली के मैटर को लेकर, पैसा के मामले को, भ्रष्टाचार को लेकर के, और जिसमें ज़बरदस्त मारपीट हुई है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर दवा इलाज करा पाना बड़ा कठिन हो गया है, वह अस्पताल भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, लूट घसोट की गुटबाजी, कौन कितना पैसा ले ले, किससे ले ले, इसके लिए वहाँ गुटबाजी है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों, कर्मचारियों और अस्पतालों से, जो विभिन्न जगहों पर, तहसीलों पर, थानों से पैसे की बात चल रही है, और जो भी अधिकारी ईमानदारी से रहना चाहेगा वो नहीं रह पाएगा भारतीय जनता पार्टी में। वह जनता को लूट रहा है और वह उन अधिकारियों से लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज पूरे जनपद में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो रहा है। इस बात की जानकारी कल हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया।